नागपुर के नाम से मशहूर जिला कांगड़ा के उपमंडल नूरपुर और इंदौरा में नींबू प्रजाति के फलों पर मौसम की मार पड़ी है। इस बार किन्नू और संतरे से रस और मिठास गायब है, आकार भी सही नहीं बन पाया है, किन्नू और संतरों का रूप भी नहीं निखरा है। इससे बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऊपर से सीट्रस डेकलाइन बीमारी ने भी उत्पादन पर असर डाला है। बगीचों की सौदेबाजी के लिए व्यापारियों और आढ़तियों ने दस्तक दे दी है। बाजार में छोटे नागपुरी किन्नू की छिटपुट आमदन शुरू हुई है, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण किन्नू से रस और मिठास गायब है। शुरुआती सीजन में किन्नू बाजार में 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि एक आध बारिश के बाद फलों का रंग निखरने के बाद बागवानों को फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। सीट्रस डेकलाइन बीमारी के कारण हर साल नींबू प्रजाति के फलों के उत्पादन में गिरावट आ रही है, जिससे बागवान चिंतित हैं। गौरतलब रहे कि छोटे नागपुर में मशहूर नूरपुर और इंदौरा क्षेत्र के बागवान माल्टा, संतरा, किन्नू, मौसमी की उम्दा फसल की पैदावार में अग्रणीय माने जाते हैं। यहाँ करीब 3700 हेक्टेयर भूमि में संतरे व किन्नू की पैदावार होती है। यहाँ से हर साल संतरे, किन्नू, माल्टा व मौसमी की फसल पड़ोसी राज्यों में भेजी जाती है। इलाके के बागवानों का कहना है कि साल दर साल मौसम की बेरुखी के कारण बागवानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बार भी समय पर बारिश न होने के कारण फलों का सही आकार व रंग नहीं बन पाया है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, मौसम बदल रहा है। बदलते हुए मौसम में नई नई चीजें खाने का मन करता है, जैसे कि संतरे। इस वक्त मैं अपने संतरों के बगीचों में खड़ी हूँ, इसकी देखरेख मैं ही करती हूँ। अब हम देख रहे हैं कि पिछले साल जो मेरे बाग के संतरे थे वो बहुत बड़े साइज के और बहुत ज्यादा लगे हुए थे, पर इस साल ना तो वो साइज दिखता है और ना कहीं फसल दिखती है। अब संतरों की फसल इतनी कम होने का बहुत से कारण है, जैसे कि हमारी संतरे की फसल के लिए नमी चाहिए, पर बिना बारिश के नमी का तो नामो निशान ही नहीं। पर बारिश भी कैसे हो, पोल्यूशन जो इतना बढ़ गया है, बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से पिछले 2-3 महीनों से बारिश का नामो निशान नहीं, जिसकी वजह से मिट्टी में बिल्कुल नमी नहीं और फसल जो है वो बहुत कम कम लगी हुई है। अर्थात आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लोगों ने पशुपालन तो बंद ही कर दिया है। पशुपालन बंद करने की वजह से हमारी फसल को गोबर की खाद नहीं मिलती, बल्कि उसकी बजाय हमें फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि हमारी सॉइल में बची हुई फर्टिलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे संतरों का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आ पा रहा। इसके अलावा बढ़ती हुई बंदरों की जनसंख्या, बंदरों ने इतनी तबाही मचाई हुई है कि जो 2-4 संतरे पेड़ पे लगे होते हैं वो भी नहीं दिखाई देते। अर्थात हम देखते हैं कि हमारी जो बरसात का मौसम होता है उसमें हम लोग बहुत सी फसलें लगाते हैं, जैसे कि खीरा वगैरह। हम क्या करते हैं कि उन खीरों की फसल को संतरे के पेड़ के साथ लगा देते हैं, उसके ऊपर हम बेलों को चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तो बेल ही खा जाती है और हमारा संतरे का बगीचा जो है वो दिन प्रतिदिन सूखता ही जा रहा है। बागवानी विशेषज्ञों के मुताबिक इस बीमारी से पहले साइज पर फर्क पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे पेड़ सूखना शुरू हो जाता है। बागवान अपने बगीचों में पेड़ों को पर्याप्त खुराक देकर बचाव कर सकते हैं। इसके क्या है और कैसे उनको उपचार किया जा सकता है? जी, इस तरह है, नींबू प्रजाति के जो फल हैं वो इस एरिया में काफी उगाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, और जैसे नूरपुर को हम नागपुर कहते हैं, छोटा नागपुर कहते हैं, तो यहाँ पर काफी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। लेकिन जैसा कि आप ने पूछा कि इसका साल बदर साल कुछ डिक्लाइन हो रहा है, मतलब इसकी प्रोडक्शन जो है इसमें कमी आ रही है, तो इसके लिए जो है उपचार, सबसे पहले तो आपने हमें पानी की कमी की वजह से ये चीज आती है, पेश आती है, पानी की कमी की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है, साइज कम हो जाता है, आकार में कमी आ जाती है और इसकी रंगत भी कुछ कमी आ जाती है। इसके उपचार के लिए कोप्रोक्स क्लोराइड का घोल जो है वो स्प्रे करना चाहिए समय पर, और पानी को समय समय पर इसको पौधों को देना, सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा जो
छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे कि कैंकर है या इसमें पेपरी वर्क है या जो इंसेक्ट अटैक है, इसके इन सभी रोगों को एक कम्प्लेक्स बीमारी आ जाती है सिट्रस डिक्लाइन करके। तो डिक्लाइन का मतलब ये है कि वो पौधा जो है वो नीचे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अपनी लाइफ उसकी अगर 25 साल है जीने की तो वो 15 साल में ही मरने शुरू हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए एक तो सही रूप से कल्चरल प्रैक्टिस अपनानी चाहिए जो हमारे यूनिवर्सिटी से रिकमेंड हुए हैं, और इसके अलावा जो स्प्रे शेड्यूल है वो समय पर अपनाकर और इरिगेशन का ध्यान रख के, इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है कई बार, हम क्या करते हैं कि जो पोषक तत्व है उनकी कमी आने की वजह से मतलब ये चीजें आती हैं, तो हम क्या करते हैं कि छड़े नाइट्रोजनस खाद देते हैं, बल्कि इसको जरूरत पड़ती है फास्फोरस की, पोटास की। तो पोटास जो है वो उसका साइज बढ़ाता है, और जो फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन जो खाद है, ये तीन जो हमारी पोषक तत्व हैं ये जरूरी तत्व हैं। इसके अलावा सूक्ष्म तत्वों की भी जरूरत पड़ती है, तो गोबर की खाद के साथ 12-32-16 या जिसकी कमी है उसको लीफ एनालिसिस कराने के बाद उसमें जो कमी पाई जाती है उसको पूरा किया जा सकता है। तो जो इसमें जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सर।